नमस्कार किसान भाई, राम कैलाश यादव हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं किसान भाइयों, भिंडी की अगेती बुआई शुरू हो गई है। अगर आप लोग सो रहे हैं, भिंडी की अगेती बुआई नहीं किए हैं या करना चाहते हैं तो उठ जाइए। अगर आप अगेती बुआई करते हैं भिंडी का, तब आप लाखों लाखों रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है दिसंबर और जनवरी, ये भिंडी का अगेती बुआई होता है। इस समय अगर आप भिंडी की बुआई कर देते हैं तो आपको क्या होगा कि उस समय भिंडी आपकी तैयार होगी, जब किसान जो है अपने खेतों में भिंडी की बुआई करेगा तो उस समय आपकी भिंडी मार्केट में लेकर जाएंगे। तब होगी क्या, लगभग अगर रेट की बात की जाए तो 80 से 90 रुपया, 100 रुपया तक रेट भी मिल सकता है। तो उसके लिए आपको अगेती बुआई शुरू कर देना है। अभी शुरू हो गया हमारे घर, आप देख पाएंगे भिंडी की जो है बुआई हो गई है, जमा भी ले चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं कि भिंडी की जो है बुआई हमें किस महीने से अगेती शुरू कर देना चाहिए, और इस वीडियो में आपको हम 10 पॉइंट कवर करने वाला हूं। जैसे जलवायु, मिट्टी कैसा होना चाहिए और उन्नत किस्में कौन सी हैं, अगेती अगर हम भिंडी की बुआई करना चाहते हैं इसमें उन्नत किस्में कौन सी हैं, और खेत की तैयारी हमें कैसी करनी है, और बीज दर कितना लगता है और बीज को अंकुरित कैसे कर सकते हैं, और भिंडी बुआई का सही तरीका क्या है, खाद उर्वरक का प्रबंधन कैसे करना है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, भिंडी की सिंचाई कैसे करनी है, भिंडी की तुड़ाई कैसे करनी है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। तो इसमें किसान भाइयों क्या है कि सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा जलवायु। जलवायु किसान भाई हमें यह देखना होता है कि अगर 20 से 25 जो है तापमान होता है, टेम्परेचर 20 से 25 टेम्परेचर तापमान रहता है, तब जो है भिंडी का जो है बीज जमाव लेता है। अगर इससे कम टेम्परेचर है तब क्या है कि भिंडी का बीज जो है जमाव नहीं लेता है। और हम किसान भाई अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमें मिट्टी कौन सी अच्छी है और कौन सी मिट्टी में इसकी हम बुआई कर सकते हैं, तो किसान भाइयों ये जो भिंडी का बीज होता है बुआई का, वो आप सभी मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है वो है दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी। और इस तरह से बढ़िया जो है मिट्टी इन्हीं लोग को माना गया है। अब मिट्टी का पीएच मान की अगर हम बात करें तो 6 से लेकर के 6.8, जो कि इतना अगर पीएच मान है तो काफी बढ़िया रहता है और भिंडी बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। अब हम बात करते हैं किसान भाई जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आता है कि हम जो है इसमें अपने खेत में कौन सी किस्म का जो है बीज की बुआई करें, उन्नत किस्में कौन सी हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उन्नत किस्में दो बताने वाला हूं। एक है जो यूपीएल राधिका, यूपीएल की राधिका है, जो अगर इसके फल की हम बात करें तो 12 से 14 सेंटीमीटर इसके फल की लंबाई होती है। अगर इसके चौड़ाई की बात की जाए तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगर ये फल की तुड़ाई की हम बात करें तो ये लगभग 45 से 48 दिन के अंदर अंदर जो है फल इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जो वैरायटी है नुन्यम्स सम्राट भिंडी, इसका जो अगर हम बात करें फल की लंबाई तो 12 से 14 सेंटीमीटर इसके फल की लंबाई होती है और 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसकी फल की चौड़ाई होती है। और अगर फल की हम तुड़ाई की बात करें कितना दिन में देने लगेगा, तो लगभग 45 से 50 दिन के अंदर इसमें आप फल पाने लगेंगे। अगर हम किसान भाई बात करते हैं खेत की तैयारी हमें कैसे करना है, तो खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों क्या है, खेत की एक गहरी जुताई करें, बढ़िया से
पहली जो है एक गहरी जुताई कर दें और उसके बाद खर पतवार जो है निकाल लीजिए। जब गहरी जुताई की रहेगी तो उसमें खर पतवार निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप 2 से 3 गहरी जुताई फिर से करें। जब देखें कि मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है तो ऐसे में आपको लगे कि हमारा खेत तैयार हो चुका है, मिट्टी भुरभुरी हो जाए, तो उस समय किसान भाइयों आप जो है बुआई काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बुआई किस तरह से करना है, अगर आपके खेत में पानी लगता है तब बेड बना करके आप जो है बुआई भिंडी की करें। जैसे यहां पर देख सकते हैं बेड बनाया गया है, बेड पर भिंडी की बुआई किया गया है। अगर किसान भाई जैसे कि आपके पानी नहीं लगता खेत में, तब आप क्यारी द्वारा भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अब 5वां पॉइंट आता है किसान भाई, भिंडी की बीज दर और बीज का अंकुरण कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों क्या है कि भिंडी का जो अंकुरण होता है दिसंबर जनवरी महीने में, भिंडी बीज जो है आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि कुछ बीज जमा लेते हैं, कुछ बीज जमाव नहीं भी ले पाते हैं। ऐसे में तो हमें बीज मात्रा कितनी लेना है, लगभग प्रति एकड़, अगर 1 एकड़ खेत में आप बुआई करना चाहते हैं तो लगभग 5.5 किलो से 6 किलो तक आप बीज दर ले सकते हैं। जैसे आप दिसंबर और जनवरी महीने में बुआई कर रहे हैं तो उस समय बीज ज्यादा लगेगा। अगर यही किसान भाई आप फरवरी और मार्च महीने में बुआई कर रहे हैं तो बीज दर जो है प्रति एकड़ 4 किलो लगता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि इसकी हमें जो है बुआई किस तरह से करना है। तो इसे लगभग हमें 18 से 20 घंटे के लिए जो है पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद किसान भाइयों जब 18 से 20 घंटा हो जाता है तो उसे हम पानी से छान लें। छानने के बाद आप गोबर खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, उसके अंदर बीज को डाल करके भूसे में रख दीजिए और सुबह शाम उसे आप आग में थोड़ा 5 से 10 मिनट सेकाई करके फिर भूसे में डाल दीजिए सुबह शाम। इससे क्या है 2 से 3 दिन 4 दिन में अंकुरण उसमें निकल जाएंगे, फिर आप जो है बहुत ही आसानी उसकी बुआई कर दीजिए। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं कि भिंडी बुआई का सही तरीका क्या है। तो जैसे किसान भाई अगर आप भिंडी की बुआई करना चाहते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे की पौधे से दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम बीज की गहराई की बात करते हैं कि हमें कितना गहराई में इसे बुआई करना है, तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर आप गहराई में इसकी बुआई कर सकते हैं। अगेती बुआई दिसंबर और जनवरी में होता है, तो दिसंबर में अगर कर देते हैं तो काफी बढ़िया रहेगा। दिसंबर में अगर आप अगेती बुआई कर दिए हैं तो उस समय किसान भाई क्या है आपको बहुत बढ़िया रेट मिलेगा। और अगेती जो बात होती है दिसंबर जनवरी का, तो दिसंबर में करें तो बढ़िया है, और भाई थोड़ा लेट होगा तो मान लो बहुत ज्यादा किसान के जो है भिंडी आ जाएंगे। तो आप दिसंबर और जनवरी में कर सकते हैं, जैसे आपके वहां वातावरण और मौसम है तो दिसंबर जनवरी ठीक है। अब बात आता है किसान भाइयों कि भिंडी में खाद उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है। जैसे अगर हम भिंडी बुआई कर दिए हैं तो भिंडी की बुआई करते समय प्रति एकड़ में, जैसे आप भिंडी की बुआई शुरू कर देते हैं करना चाहते हैं तो उस समय में खाद प्रबंधन कैसे करना है। तो भिंडी की बुआई करते समय प्रति एकड़ में 30 kg DAP लेना है, 25 kg यूरिया लेना है, 20 kg पोटास लेना है MOP वाला, उसके बाद बुआई करें। इसे आप डाल करके भिंडी की बुआई शुरू कर सकते हैं। जब आपकी भिंडी बुआई करने के 10 से 15 दिन हो जाता है तब पौधा देखने को मिलता है बढ़वार पर होता है, यानी बढ़ावा उसका बढ़वार शुरू हो जाता है। तो उस समय हमारे जो भिंडी होता है उस पौधे को 3 तत्वों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि 3 तत्व होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इन 3 तत्वों को पूरा करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, NPK 19:19:19 1 किलो स्प्रे करें, 2 फिल्टर पानी में जो है घोल बनाएं।
इसको डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। तो स्प्रे करने से क्या है, पौधा काफी तेजी से विकास करेगा और काफी तेजी से पौधे में ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद किसान भाई, जब आपके भिंडी का पौधा 30 से 35 दिन का हो जाए, तब उसमें कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाता है, तब उस समय आपको क्या करना है, 0-52-34 खाद आता है, एक किलो उसको भी लेना है, 0-52-34 एक किलो लेना है, दो फिल्टर पानी में इसे घोल बना करके स्प्रे करना है। इससे क्या है, फल फूल बहुत तेजी से लगेगा और जैसे ही फल लगने शुरू हो जाएं, जैसे ही फल लगना शुरू हो जाए, तब तुरंत आपको क्या है, 20 किलो यूरिया खड़ी फसल में डाल दें, पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। जब भिंडी की एक या दो तुड़ाई कर लेते हैं, तब उस समय पोटेशियम मैग्नेट यानी 13-0-45 एक किलो दो फिल्टर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर दें, तब आप लंबे समय तक भिंडी से फल की तुड़ाई कर पाएंगे। आप किसान भाई, आता है खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना है। अगर आपके भिंडी किसान भाई खरपतवार जो है शुरुआत में दिख रहे हैं, तो इसे आप जो है सबसे बढ़िया जो तरीका देखा जाता है, निराई गुड़ाई तरीके से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। नौवा तरीका था किसान भाई, भिंडी की सिंचाई का सही तरीका क्या है। भिंडी की सिंचाई किसान भाई मिट्टी के अनुसार किया जाता है, जिस तरह की मिट्टी हो, मिट्टी के खेत में नमी बना रहना चाहिए, जो भी भिंडी का खेत है उस मिट्टी में नमी जो है बना रहना चाहिए, अधिक नमी भी नहीं रहना चाहिए और अधिक मिट्टी सूख भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए हमें सारी चीजें ध्यान रखना है। बलुई मिट्टी अगर हमारे खेत में है तो 8-10 दिन पे हमें सिंचाई करना चाहिए, दोमट मिट्टी है तो 12-15 दिन में हमें सिंचाई कर देना चाहिए। जैसे कि ये सर्दी का मौसम हो गया, अगर गर्मी का सीजन है तब हमें 5-6 दिन पर सिंचाई करना है। भिंडी की जो है अब तुड़ाई हमें किस तरह से करना है, देखिए किसान भाई, जब भी आपकी भिंडी की तुड़ाई करना है तो भिंडी की तुड़ाई करते समय हाथ में दस्ताना लगाकर तोड़ें, क्योंकि उसमें रेशेदार होते हैं जो हमारे हाथों में चुभ जाते हैं, खुजलीपन ऐसा देखने को मिल जाता है। अब भिंडी की तुड़ाई हमेशा सुबह करें या शाम को तोड़ें, भिंडी को हमेशा जो है मुलायम स्थिति में तोड़ें, कड़क ना होने दें। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक यू किसान भाई वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।